कारुणिक तथागत बुद्ध को मैं नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ। इस देश के दबे कुचले लोगों के लिए इतना अच्छा संविधान बनाकर उनकी बाजुओं में ताकत भरने वाले ऐसे बाबा साहब को भी मैं नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ। और समस्त बहुजन समाज के जितने भी महापुरुष हुए उन सबको भी मैं नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ। भिक्खू संघ को मेरा वंदामी और यहाँ बैठे सभी लोगों को मेरा नमो बुधाए। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। मेरे समाज के सभी मेरे भाई बहन जो सामने बैठे हैं उन सबसे मैं ज़्यादा लंबी बात तो नहीं करूँगी क्योंकि समय ऐसा है, मौसम भी खराब होने वाला है। सबसे पहले ये बताना चाहती हूँ कि आज हम सब लोग यहाँ पर वैशाख पूर्णिमा मना रहे हैं क्योंकि मैंने बुद्धिज़्म में एमए मास्टर डिग्री ली और इसी में मैंने फिलोसफी में भी मास्टर डिग्री ली, एमफिल किया और पीएचडी मैं कर रही हूँ, अभी चल रही है मेरी। तो मैंने इसमें जाके बहुत गहराई में इसे पढ़ने की कोशिश की, जानने की कोशिश की कि आज का दिन क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों हम बुद्धिज़्म को इतना मानते हैं, क्यों हम बुद्धा के दम को ही मानना चाहते हैं। सबसे पहले कि आज जो वैशाख पूर्णिमा है, आज का दिन इसलिए महत्वपूर्ण है कि आज ही के दिन सिद्धार्थ गौतम का जन्म हुआ, आज ही के दिन उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति करी और आज ही के दिन उनका महापरिनिर्वाण हुआ। ऐसी अद्भुत घटना संसार में कहीं और नहीं हुई, ऐसी अद्भुत घटना संसार में कहीं और नहीं हुई। इतना महान धर्म उन्होंने हमें दिया, धम्म जिसे हम कहते हैं, जो इतना सुंदर इतना अच्छा है, सबके कल्याण के लिए है, किसी तरह की इसमें भेदभाव नहीं है, बराबरी है, कोई जातियां नहीं है। ये इसलिए महान है, जिस भी देश ने बुद्धा के धम्म को अपनाया, जिस भी देश ने उसने तरक्की की। क्या हुआ ऊपर, क्या हुआ? अच्छा अच्छा तो बाबा साहब ने ये धम्म क्यों चुना? बाबा साहब ने देखा कि ये हमारे देश में, पहली बात तो हमारे देश में इसका जन्म हुआ, यहाँ से इसकी शुरुआत हुई और उसके बाद में इस धम्म ने पूरे संसार में भारत की ख्याति पैदा की। तो बाबा साहब को लगा कि धम्म, ये जो हिंदू धर्म के लोग कहते हैं कि हम घर वापसी कर रहे हैं, हमने कोई घर वापसी नहीं की, हमने अपने पुराने धर्म को छोड़ दिया था, आज हम उसे जान गए हैं बाबा साहब की वजह से। हम सब बुद्धिस्ट हैं, सब बुद्धिस्ट हैं ना यहाँ पे, सब बुद्धिस्ट हैं। बाबा साहब की वजह से हमें ये धर्म के पता लगा इसके बारे में। तो बाबा साहब ने इस धर्म के बारे में क्या प्राप्त किया? उन्होंने देखा कि बुद्ध का धर्म जो कि 2,562 साल पुराना, इस धर्म में बहुत ही अच्छाइयाँ हैं, लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता है इसमें कुछ चेंजिंग भी आनी चाहिए। कुछ उस काल में क्या मालूम जाने कैसा समय था, कैसी व्यवस्था थी, लेकिन आज हो सकता है कि मैच ना करे। तो बाबा साहब ने हमें एक नया धर्म बना के दिया जिसे नियो बुद्धिज्म कहते हैं। जो मैंने पढ़ा, बाबा साहब के बारे में पढ़ा, उसे बोलते हैं नियो बुद्धिज्म। इस नियो बुद्धिज्म का क्या मतलब है, आज मैं इस बात को कह के अपनी बात को फिर खत्म करूंगी कि बौद्ध धर्म तो आप सभी जान गए हैं, जब हम त्रिशरण पंचशील करते हैं तो एक तरह से हमारी दीक्षा हो जाती है ना। बंते जी जानते होंगे कि त्रिशरण पंचशील करने के बाद में उसे आचरण में उतारेंगे तो हमारी दीक्षा कंप्लीट हो जाती है। लेकिन बाबा साहब को पता लग गया था कि ये मेरा समाज जो है इतना भोला भाला समाज है, ये आसानी से बौद्ध धर्म को ऐसे ग्रहण नहीं करेगा। ये यहाँ ग्रहण करेगा, घर जाके वही इन 33 करोड़ देवी देवताओं को पूजेगा, है ना। तो बाबा साहब ने क्या किया, बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञाएं ही इसके साथ में बना के दी हमें कि इन प्रतिज्ञाओं को और याद कर लो और इन्हें अपने जीवन में उतारो। ये 22 प्रतिज्ञाएं जो हैं, लोग कैमरा देखने में ज़्यादा खुश हैं, सुनने में ज़्यादा खुश नहीं है। तो ये 22 प्रतिज्ञाएं जो हैं इन्हें अपने जीवन में उतारो, उस पर पूरा बौद्ध धर्म है शुरू से लेके आखिर तक जो बाबा साहब ने दिया। जब मैं बहुत छोटी थी, 7 साल की, तब मेरे पापा ने बौद्ध धर्म ग्रहण करा था, पूरे गांव को अपने साथ में लेके। पूर्णिमा का दिन था, आज ही का दिन, तब पूरे गांव को उन्होंने पहले इसकी व्यवस्था की, सारे गांव के लड़कों को, सारे लोगों को समझाया
कि हम लोग बुद्धिस्ट हैं पुराने, हम अपने धर्म में लौटेंगे। जब मैं बहुत छोटी थी 7 साल की, तब उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया और बहुत गालियाँ खाई, बहुत गाली खाई मेरे पापा ने। मेरे घर में मैं 3 बहनें थी, तो वह गाँव की महिलाएँ कहा करती थी कि अच्छा ये दहेज नहीं देना चाहते इसलिए बौद्ध धर्म अपनाया, क्योंकि उसमें दहेज देने की व्यवस्था नहीं है ना, कि कुछ मांगो मत, ऐसे किसी पे आप प्रेशर नहीं बना सकते, जो अपनी इच्छा से देना चाहे दे दे। तो बहुत गालियाँ खानी पड़ी, लेकिन धीरे धीरे मैं भी अपने पापा को गाली देती थी कि तुम्हारी वजह से मैं रंग नहीं लगा पाती हूँ, पटाखे नहीं जला पाती हूँ। तो वो मुझे समझाते थे कि बेटा देखो, ये हमारे महापुरुषों को जला के मार के इन्होंने त्यौहार बनाए हैं, क्या तुम भी ये चाहती हो कि मैं मर जाऊँगा तो ये खुशी मनाएंगे तो तुम भी मनाओगी क्या? तब मेरी समझ में आया, मैं बहुत छोटी थी, कि नहीं पापा, आज से सब बंद, मैं कभी नहीं मनाऊंगी इन त्योहारों को। और मैंने मेरे पापा के साथ साथ इतना प्रचार किया, जब मैं छोटी सी थी तो झंडा लेके हम हर संडे अपने गांव में निकलते थे बाहर, और हम लोग बाबा साहब के नारे लगाते थे, बाबा साहब अमर रहे। और हमारे पीछे धीरे 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 जब हम 1 घंटे के बाद वापस लौट के अपने घर आते थे, कम से कम 100 आदमी होते थे जो नारे लगाते थे। मैंने अपने गाँव में क्रांति पैदा कर दी थी, अब यही क्रांति लेके मैं पूरे देश में चाहती हूँ कि सब बौद्ध धर्म अपनाओ, लेकिन दोगलेपन से नहीं, दोगलेपन से बिल्कुल नहीं। आप मुझे देख रहे हो कि मैंने बौद्ध धर्म अपनाया तो पूरी तरह अपनाया, पूरे परिवार को मैंने बुद्धिस्ट करा, मेरी ससुराल के सारे लोगों को बुद्धिस्ट करा, मैंने सारे पाखंड जो मुझे मिले थे मेरे ससुराल में जाने के बाद में हिंदू होने के, वो मैंने उतार फेंके सारे के सारे, और मैंने बुद्धिज्म को पूरी तरह अपनाया, बौद्ध धर्म को अपनाया। मैं एक बाबा साहब की सच्ची बेटी बन के आई अपने ससुराल में, सब लोगों को मैंने समझाया कि नहीं, ये सब देवी देवता, इन्होंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं करा, जो करा है बाबा साहब ने करा है, उनकी वजह से हम पढ़े हैं, उनकी वजह से सम्मान मिला है, हमें बाबा साहब के बताए रास्ते पे चलना है, 2019 में अपनी सरकार बनानी है, बहन कुमारी मायावती जी को हमें वोट देना है, आगे से हमें ध्यान देना है। ये मनुवादी किसी भी तरह से चाहे कोई भी जुगत लगाए, लेकिन इनकी सरकार ना बनने पाए। अब हमारी सरकार बनेगी, तन मन धन से अपने मिशन को सहायता दो, उसे आगे बढ़ाने की कोशिश करो, और बौद्ध धर्म को सच्चे रूप में अपनाओ, 22 प्रतिज्ञाओं को अपने परिवार में अपनाओ, उठा के फेंक दो इन देवी देवताओं को, कोई शक्ति नहीं इनमें, आज करके देख लेना अगर ये तुमसे कुछ भी बदला ले सके, कोई शक्ति नहीं, ये फेंक दो सिंदूर, ये बिंदी, ये बीछिए, ये चूड़ियाँ, इनसे कुछ मिलने वाला नहीं, सही बता रही हूँ मैं? अगर मुक्ति चाहते हो तो हिंदू धर्म का त्याग करके बौद्ध धर्म अपनाओ। इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देती हूँ, सभी को मेरा क्रांतिकारी नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भीम, जय भीम।